अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी टिप्स जी। तो आज की वीडियो, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी वर्किंग वीमेंस हैं, वर्किंग गर्ल्स हैं, जिनको कि डेली रूटीन में मेकअप करना होता है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे, लेकिन उन्हें डेली रूटीन में अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, मेकअप करना होता है। और जी, गर्मियों का मौसम है, जैसे कि आप जानते हैं कि शदीद गर्मी है, जब हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन मज़ीद ज़्यादा स्वेटिंग करती है। जॉब्स वाली जो गर्ल्स हैं, वीमेंस हैं, उनको जो है वो 9 to 5 की अगर जॉब कर रही हैं तो जी मॉर्निंग में उनको रास्ते से, जब वो चाहे उनके ऑफिस जो है वो एसी वाले हों, लेकिन जब उन्हें जाना होता है तो जी बहुत गर्मी, सनलाइट, स्वेटिंग, ये वो तमाम मसाइल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जी मेकअप ख़राब हो जाता है, लास्ट नहीं करता, और फिर उनको जाके अपने ऑफिस में दोबारा से रिटच करना पड़ता है या फिर जी लंच टाइम में अगेन मेकअप करना पड़ता है। तो जिस तमाम वो ऐसी गर्ल्स, ऐसी वीमेन जी स्टे करें, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ये हैक्स हैं, आपको तीन हैक्स बताने लगी हूँ जी, इस तरह के, जिनसे आप अगर इन जिन हैक्स को आप यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप बन सकता है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, ठीक है, अप टू 6 आवर्स। ये हैक्स अगर आप करके अपनी स्किन पर मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टे करेगा। तो जी आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे हैक नंबर 1 है कि ये तो आपने करना ही है, मस्ट ना, इस तरह का। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का फेस वॉश लें, आप कोई सा भी ऐसा फेस वॉश ले लें जो कि क्यूकम्बर फेस वॉश हो। यहाँ पे मेंशन है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर फेस वॉश में जो भी आप जो है वो फेस वॉश ले लें, ये मेरे पास है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी लें। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है वो फिनिशिंग पर है, यहाँ पे ये आ चुका है अभी, क्योंकि मैं मेकअप करने से पहले इसी फेस वॉश से अपना फेस जो है वो वॉश आउट करती हूँ। चाहे आप लोग जो है वो कोई सा भी फेस वॉश करते हो डेली रूटीन में, उसका कोई भी मैं मना नहीं करी कि आप उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, अच्छी बात है अगर छोड़ दें तो। अगर कोई मेडिकेटेड फेस वॉश आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, आप खुद अगर अपनी ब्यूटी के लिए, फेस वाइटनिंग के लिए कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो क्यूकम्बर वाले फेस वॉश यूज़ करें, चाहे ब्रांड कोई भी हो, जो आपको पसंद हो उस ब्रांड में क्यूकम्बर फेस वॉश लें। तो हैक नंबर 1 यही है कि जी आपने क्यूकम्बर वाले फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद जी आपने अपना हैक नंबर 2 करना है। अच्छा जी, हैक नंबर 2 जो है उसमें आप जो है हैक नंबर 2 और 3 का आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जी दिस इज़ मस्ट, ये आपका जो है ये मस्ट है, ठीक है, ये आपने करना ही करना है कि आपने क्यूकम्बर वाले फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आ जाते हैं जी अपने हैक्स की तरफ। हैक नंबर 2 हमारा ये है कि आपने इस तरह की जो है वो, ये मैंने बॉटल के अंदर देखें फ्रीज की हुई है आइस, ना इस बॉटल के अंदर आइस है, ठीक है, ये मैंने पानी भर के फ्रीज़र में रख दी थी जो कि इस तरह से आइस बन गई। अब आपने इस तरह की बॉटल, एक अपने जो डेली रूटीन वाली जो मेकअप करने वाली गर्ल्स है ना, वो इस तरह की छोटी एक बॉटल ले लें, ये पानी की या जूस की बॉटल थी जो कि खाली हुई थी, जिसको मैंने वॉश आउट करके और इसको मैंने इस तरह से जो है वो बर्फ़ जमा के रख लिया था। आपने क्या करना है कि जी आपने जब क्यूकम्बर वाले फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद जी आपने ये बॉटल निकालनी है और आराम आराम से जो है ना आपने इसको अपने फेस पे इस तरीके से, ठीक है, मैं हाथ पे करके दिखा रही हूँ, आप अपने चेहरे पे इस तरीके से इसको जो है वो रोलर करेंगे, ठीक है, अपने फेस के ऊपर बहुत ही आराम से। बॉटल का इसलिए कह रही हूँ, डायरेक्ट आइस क्यूब का आपको इसलिए नहीं कह रही कि डायरेक्टली आइस जो है वो आपके फेस के टिश्यूज़ को डैमेज करती है, ठीक है, जो कि उस वक्त तो आपको नुकसान नहीं देते लेकिन बाद में बहुत लॉस होता है। तो हैक नंबर 1 जो है वो आपका हो गया, क्यूकम्बर से आपने फेस वॉश करना है, क्यूकम्बर वाले फेस वॉश से आपने फेस को वॉश करना है। हैक नंबर 2 आपका ये हो गया कि आपने जो है जी इस तरह की आइस वाली एक बॉटल बना लेनी है और उससे अपने फेस पर इस तरह करके 3 to 4 minutes तक अपने फेस पर इस तरह से आइसिंग कर लेनी है, और उसके बाद जी आप टिश्यू पेपर से उस पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करके उसके बाद आप अपने मेकअप पर अप्लाई कर सकते हैं। हैक नंबर 3 जिसका मैंने आपको बताया था कि आप हैक नंबर 2 और हैक नंबर 3 में से ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको जाना है, सपोज़ उस तरह की बॉटल आपके पास नहीं है, तो जी आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आइस क्यूब आप फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने ले लेना है इस तरह का एक कोई भी बॉल ले लें, उसके अंदर आप पानी भर लें, पानी भरने के बाद ये आइस क्यूब्स है, देखें इसके अंदर आइस है, ठीक है, आपने इस तरह से आइस क्यूब को पानी में डाल लेना है, ये मैंने डाल लिए, इस तरह से आप आइस क्यूब को पानी में डाल लेंगे, इसको पड़ा रहने देंगे तकरीबन 2 to 5 minutes तक, ठीक है, ये या 2 to 3 minutes तक आप इसको डला रहने दें। अच्छा जी, ये है जी, सबको पता है फेशियल पफ है, और ये एक फेस टॉवल है, ठीक है, इस तरह की छोटी सी फेस टॉवल ले लें जो कि सॉफ्ट हो, ठीक है, ये टॉवल बहुत सॉफ्ट है। फेस पे मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी जो है वो हार्श चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हार्श टॉवल हो गई या फिर कोई भी इस तरह का कपड़ा जो कि मोटा हो, जो आपके फेस
को रैश करे उस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। बेस्ट वे है कि आप या तो इस तरह की एक सॉफ्ट फेस टॉवल से अपना फेस साफ किया करें, डेली रूटीन की बात कर रही हूँ, या फिर जो है आप टिश्यू पेपर से अपना फेस जो है वो क्लीन किया करें। उसके बाद जी ये आ गया फेशियल पफ। अब आपको इन दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे लीजिए और इस पानी के अंदर डिप कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो है ये पफ यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से मैंने इस पफ को ऐसे पानी के अंदर डिप कर दिया। अब जी ये पानी ठंडा हो रहा है और ये पफ जो है इसके अंदर जाके ये भी जो है जाहिर सी बात है कि कोल्ड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से निकालना है, जब ये हो जाएगा पूरा पानी के अंदर ये इस तरीके से आपने स्क्वीज आउट करने के बाद आपने जी अपने फेस पे आपने लेट जाना है, सारी टेंशनों को भूल जाना है और इस तरीके से अपने फेस पे इस पफ को रख के ऐसे लाइक प्रेस थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए आपने प्रेस करना है। ये स्किन के हमारे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। आपने अगेन डालना है ठंडे पानी के अंदर, अगेन इसको बाहर निकालना है, स्क्वीज आउट करना है और आपने इसको अपने फेस पे इस तरीके से टैप टैप कर लेना है। ठीक है जी, 3 to 5 मिनट आप ये कर सकते हैं। अगर टॉवल लेंगे तो जी टॉवल को आप इस तरीके से डिप करेंगे पानी के अंदर, डिप करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, इसको अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे इस तरह से करके ऐसे इसका सारा पानी उसको इस करके जब सारा पानी निकल जाएगा आपने टॉवल खोलनी है और जी अपने फेस पे इस तरीके से फैला लेनी है और जी लेट जाना है आपने 5 मिनट के लिए सबको भूल के और आपने इस तरीके से अपने फेस पे इस तरह से टॉवल को रख लेना है। अब जी 5 मिनट हो गए, आप जी टॉवल हटाएं या फिर जी आप ये इस तरह का ये पफ है ये 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स बहुत हैं, बस इसमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जी ये करें उसके बाद जी अपने फेस को टिश्यू पेपर से जो है वो क्लीन करें और अपना मेकअप स्टार्ट कर दें। जिस तरह से आप मेकअप फॉलो करते हैं अपनी स्किन पे मेकअप लगाने के लिए जो है वो और सनलाइट में जाने के लिए मेकअप करने से पहले सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। यू हैव टू मस्ट यूज़ सन ब्लॉक। अगर आप एजिंग साइंस से जल्दी इमेच्योर एजिंग साइंस से बचना चाहते हैं, अगर आप जो है वो अपनी स्किन को बहुत अच्छा ग्लोइंग रखना चाहते हैं, सन टैनिंग से बचना चाहते हैं, सन ब्लॉक लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। या वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और मज़ीद न्यू नॉलेजेबल वीडियोज़ जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलूंगी मैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जी बाय बाय।